हम जो चीज लर्न करने वाले हैं वो है अमेज़न वेब सर्विस, ठीक है, जिसका शॉर्ट फॉर्म है AWS। ठीक है, ऑलरेडी आप लोगों के साथ एक सर फहद करवा रहे थे कोर्स, बट उन्होंने कुछ अपनी डिटेल्स रखी थी कि BSc और डिग्री कोई रिक्वायर्ड थी IT की, बट काफी लोग आप में थे जो अभी बिल्कुल स्टार्टिंग में है, जिनको इन चीजों का आइडिया नहीं है। इस कोर्स का मकसद यह है कि आपको वो बेसिक्स चीजें बताना जो कि अमेज़न वेब सर्वर के लिए जरूरी है। इंशाल्लाह ये सारी चीजें एक्सप्लेन करेंगे, कोशिश यही होगी कि 15 दिन के अंदर कवर कर दो, अगर ना कवर हो सका तो कोई बात नहीं, जितना समराइज हो चुका हो सका मैं करूंगा। ओके अच्छा जी, अभी तक चलो लड़कों के ग्रुप में ना लड़के है ही नहीं, एक्चुअली कुछ लड़के हैं। ओके यस, अब मैं इसका आंसर नहीं कर सकता, प्राइवेट में मुझे एक मैसेज आया, ठीक है, उसका मैं आंसर नहीं कर सकता। ओके सो चीज क्लियर हो गई। अच्छा, जब हम सर्वर की बात करते हैं ना, तो सबसे पहला क्वेश्चन आपके जेहन में आता है कि व्हाट इज सर्वर, ठीक है, तो सर्वर एक्चुअली में है क्या। बात करते हैं, अ सर्वर इज अ कंप्यूटर दैट सर्व्स इंफॉर्मेशन टू अदर कंप्यूटर्स, कि एक ऐसा कंप्यूटर जो कि डिफरेंट कंप्यूटर्स को आपकी इंफॉर्मेशन सर्व करता है, उसको हम एक सर्वर कहते हैं। बेसिकली अगर आप यहाँ पे देखें, हम यहाँ पे कोई भी वेबसाइट अगर गूगल के अंदर सर्च करना चाहें, तो कोई भी चीज सर्च करना चाहें, लेट से मैं यहाँ पे सर्च कर देता हूँ, लाइक ये मैंने एक इंफॉर्मेशन कलेक्ट करने के लिए इसको कलेक्ट किया। अब ये क्या हुआ कि बैक एंड पे इसके एक सर्वर जा रहा था, जिस सर्वर ने यहाँ पर इसका डाटा जो सा है शो करवाया, दैट इज द डाटा, दैट इज द पॉइंट, जो आपकी स्टोरेज स्पेस होती है जिस पे आपका डाटा स्टोर हो रहा था, और जिस पे क्लाइंट आके इंटरनेट के थ्रू चीजें एक्सेस कर पाता है, उसको हम कहते हैं सर्वर। ओके सर्वर रिगार्डिंग क्लियर है ना, सर्वर के। ओके के लाइक आप लोगों को ज्यादा कुछ नहीं करना, आपको जस्ट एक सर्वर, एक स्टोरेज स्पेस बना दी गई है जहां पे कोई भी यूजर आके आपका डाटा देख सकता है, उसको हम सर्वर कहते हैं, और ये ऑनलाइन होता है सर्वर। दीज कंप्यूटर्स कॉल्ड क्लाइंट्स, ये कौन से कंप्यूटर क्लाइंट्स कहलाते हैं, जो कि सर्च कर रहे होते हैं। लाइक मैंने यहाँ पे अगर कुछ भी सर्च किया है, लेट से मैं सर्च करता हूँ वेब सर्वर, ठीक है। अब मैं क्या हूँ कि मैं एक क्लाइंट हूँ, मैंने क्या किया कि मैंने एक रिक्वेस्ट किया कि मुझे ये वाला डाटा शो करवाओ वेब सर्वर विकिपीडिया का, तो ये जो विकिपीडिया का सर्वर है, ये मुझे डाटा यहाँ पर शो करवा रहा है, इंफॉर्मेशन शो करवा रहा है, तो ये बेसिकली कहलाता है सर्वर। इसके अलावा जब हम एक कंपनी के तौर पर सर्वर को दे रहे होते हैं, तब हम इस तरह के डिवाइसेस, स्टोरेज डिवाइसेस जो उनसे, ये देखें ये पिक्चर आ गई, इस तरह के स्टोरेज डिवाइसेस होते हैं, हम उनको सर्वर्स कंसिडर कर रहे होते हैं, ठीक है, जिस टाइम हम एज अ कंपनी बात कर रहे होते हैं। तो अगर हम एज अ कंपनी अपना सर्वर बनाना चाहें, तो हमें मिनिमम से मिनिमम 10 से 15 सर्वर्स चाहिए होते हैं, जो कि आपके डिफरेंट तरीके के काम करते हैं, डिफरेंट वर्किंग होती है उनके, डिफरेंट प्रोसेस होते हैं। बट
क्या होते हैं, ये कंप्यूटर क्लाइंट कहलाते हैं, कैन कनेक्ट टू सर्वर थ्रू ईथर और लोकल एरिया नेटवर्क और वाइड एरिया नेटवर्क सच एज द इंटरनेट। वो मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूँ कि इंटरनेट के थ्रू आप इसको असेस कर सकते हैं किसी भी जगह से, किसी भी पॉइंट से। दूसरी बात कि जब भी हम सर्वर की बात करते हैं, सर्वर की कुछ टाइप्स होती हैं, ठीक है, ये मैंने यहाँ पे स्क्रीनशॉट लिया हुआ है। एप्लीकेशन सर्वर, ब्लेड सर्वर, क्लाउड सर्वर, डेटाबेस सर्वर, डेडिकेट सर्वर, डोमेन नेम सर्वर, फाइल सर्वर, मेल सर्वर, प्रिंट सर्वर, प्रॉक्सी सर्वर, स्टैंड अलोन सर्वर और वेब सर्वर। इसके अलावा भी सर्वर्स मौजूद हैं इंटरनेट के अंदर जो कि डिफरेंट वर्किंग रखते हैं, डिफरेंट उनकी वर्किंग है। अगर मैं इन सर्वर्स को एक्सप्लेन करने बैठूं तो यहाँ पे काफी टाइम लग जाएगा कि एक एक सर्वर में आप लोगों को एक्सप्लेन करूँ। आप लोगों को मैं ये टाइप्स बता रहा हूँ, आप लोग ये सामने नोट कर लो, ठीक है, लिख लो, लिख के अपने पास रख लो और इनको गूगल में सर्च करके आप इनके बारे में इंफॉर्मेशन कलेक्ट कर सकते हो एक एक सर्वर के बारे में। ओके, बस वॉइस क्लियर है ना सबको? मैंने पूछे नहीं यार वॉइस का। ओके, नो इशू, मैं बहुत आराम से बोल रहा हूँ, दैट्स व्हाई मैंने पूछा। अच्छा, सर्वर के बाद AWS के अंदर जो नेक्स्ट मोस्ट इंपोर्टेंट थिंग है वो है क्लाउड कंप्यूटिंग। अब ये क्लाउड कंप्यूटिंग को समझना सारा का, आपको क्लाउड कंप्यूटिंग की समझ आ जाएगी ना, तब आप लोग तकरीबन एक किस्म की इंटरनेट की वर्किंग समझ जाएंगे कि इंटरनेट के ऊपर एक कंपनी या एक सर्च क्वेरीज या ये चीजें किस तरह काम कर रही हैं, जो हमारे सर्वर्स हैं वो किस तरह काम कर रहे हैं। ये सारी चीजें क्लाउड कंप्यूटिंग के अंदर आ जाती हैं। क्लाउड कंप्यूटिंग की जरूरत क्यों पड़ी, क्लाउड कंप्यूटिंग है क्या, ये हम डिस्कस करेंगे, आज का टॉपिक भी यही है, ठीक है। बेसिकली क्लाउड कंप्यूटिंग इज एन एप्लीकेशन बेस्ड सॉफ्टवेयर इंफ्रास्ट्रक्चर दैट स्टोर डेटा ऑन रिमोट सर्विसेज विच कैन बी एक्सेस थ्रू द इंटरनेट ऑन डिमांड। क्लाउड कंप्यूटिंग एक ऐसा एप्लीकेशन बेस्ड सॉफ्टवेयर